गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो के अंदर अपन ने बात की थी टाइप्स एंड डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल। आज अपन बात करेंगे कि ओव्यूल के अंदर जो संरचना मीन्स एम्ब्रियो सैक जो भाग पाया जाता है, उस एम्ब्रियो सैक की स्ट्रक्चर क्या है और उस एम्ब्रियो सैक का ओव्यूल में डेवलपमेंट कैसे होता है, तो अपन आज बात करेंगे स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक। इसमें आप देखिए स्टूडेंट्स, एम्ब्रियो सैक जो है वो क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट है और इसका जो डेवलपमेंट है, ये मैंने कल आपको जो पिछला जो वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो ओव्यूल है उस ओव्यूल के अंदर क्या संरचना है, ये इसका न्यूसेलस भाग है, न्यूसेलस के बाहर की तरफ क्या प्रेजेंट है, इंटेगुमेंट्स प्रेजेंट है। ये संरचना यानी यहाँ पर ये जो भाग है इसका न्यूसेलस जो भाग है, उस न्यूसेलस के अंदर एक ही प्रकार की सेल्स जो भाग पार्ट है वो इसके अंदर क्या है, प्रेजेंट है, यानी ये मास ऑफ सेल्स, सेल्स का ग्रुप है। तो ये जो संरचना है जिसको हम क्या कह रहे हैं, न्यूसेलस इसको हम बोलते हैं। इस न्यूसेलस भाग के अंदर डेवलपमेंट होगा किसका, एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट होता है। तो स्टूडेंट्स, एम्ब्रियो सैक का जो डेवलपमेंट है, ये डेवलपमेंट हाइपोडर्मल सेल के द्वारा होता है, मींस इस न्यूसेलस की आउटर मोस्ट जो लेयर है जिसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं, इस एपिडर्मिस से नीचे की कोई भी जो सेल है उस सेल के द्वारा फॉर्मेशन होता है किसका, एम्ब्रियो सैक का। तो यदि हम बात करें जो न्यूसेलस है उस न्यूसेलस भाग के अंदर यदि हम इसकी संरचना इस प्रकार से देखें तो क्या हो गया, ये इसकी बाहर की तरफ आउटर मोस्ट लेयर होगी, एपिडर्मिस होगी और इस एपिडर्मिस लेयर के ठीक नीचे माइक्रोपाइल भाग की तरफ कोई भी जो सेल है, ये सेल दूसरे सेल के कंपेरिजन में इसका जो साइज है वो बड़ा हो जाता है, साइटोप्लाज्म जो भाग है वो कंडेंस प्रकार का हो जाता है और ये जो सेल है इस सेल को हम बोलते हैं, ये कहलाती है आर्चिस्पोरियल सेल, इसको कहा जाता है। ये सेल कौन सी हो गई, आर्चिस्पोरियल सेल। अब स्टूडेंट्स, इनमें बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनके अंदर आर्चिस्पोरियल जो सेल है, ये आर्चिस्पोरियल सेल सीधे ही किसका काम करती है, मेगा स्पोर मदर सेल का काम करती है, यानी इसके द्वारा क्या बन जाएंगे, चार मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होगा। तो यदि आर्चिस्पोरियल सेल सीधे ही फॉर्मेशन करती है मेगा स्पोर मदर सेल का, तो उस प्रकार की कंडीशन के अंदर जो ओव्यूल होता है उस ओव्यूल को हम बोलते हैं टेनी न्यूसिलेट प्रकार का ओव्यूल, ये कहलाता है टेनी न्यूसिलेट ओव्यूल इसको बोलते हैं। अदरवाइज जो आर्चिस्पोरियल सेल है, इस आर्चिस्पोरियल सेल के अंदर पेरिक्लिनल प्रकार का डिवीजन होता है, मींस यहां पर आप देखें कि ये आर्चिस्पोरियल सेल है और इस आर्चिस्पोरियल सेल के अंदर पेरिक्लिनली ये दो भागों के अंदर डिवाइड हो जाती है, आउटर जो सेल है ये आउटर सेल इसके अंदर कहलाती है पैराइटल सेल इसको बोलते हैं, ये बनेगी पैराइटल सेल। तो यदि पैराइटल सेल बाहर की तरफ बनती है और ये पैराइटल सेल एंटीक्लिनली एज वेल एज पेरिक्लिनली डिवाइड होकर के इस आर्चिस्पोरियल जो सेल है जो मेगास्पोर मदर सेल की तरह काम करेगी, अब इसके अंदर ये अंदर की तरफ होगी तो ये वाली जो सेल है इसके बाहर की तरफ प्रोटेक्टिव पार्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, किससे, पैराइटल सेल से, तब उस ओव्यूल को हम बोलते हैं क्रेसी न्यूसिलेट प्रकार का, ये कहलाता है क्रेसी न्यूसिलेट ओव्यूल इसको हम बोलेंगे।
तो स्टूडेंट आप देखिए कि अब इसके अंदर दोनों कंडीशन हो सकती है, या तो आर्चिस्फोरियल सेल डायरेक्ट जो है वो मेगास्पोर मदर सेल की तरह काम करे, या फिर इसके अंदर डिवीजन हो जाए, कौन सा पेरिक्लिनर डिवीजन हो जाए और बाहर की तरफ पेराइटल सेल बन जाए और अंदर की तरफ जो सेल बन रही है जो स्पोरोजिनस सेल है, या इसको हम कहेंगे मेगा स्पोर मदर सेल। तो स्टूडेंट जो मेगा स्पोर मदर सेल है, इस मेगा स्पोर मदर सेल के अंदर अब जो डिवीजन होगा, ये डिवीजन होता है इसके अंदर कौन सा मियोसिस डिवीजन होता है, ये क्या बनाएगी मियोसिस डिवीजन होगा, और इस मियोसिस डिवीजन के द्वारा यहां पर चार हैप्लोइड मेगा स्पोर बनते हैं, और ये चार जो हैप्लोइड मेगा स्पोर बनते हैं ये चारों लीनियर फॉर्म के अंदर व्यवस्थित होते हैं। यानी ये जो संरचना है, ये संरचना कहां बन रही है, न्यू सेलस के अंदर बन रही है। तो स्टूडेंट एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट यहां पर इन चार जो मेगा स्पोर है, इन चार मेगा स्पोर में से कितने मेगा स्पोर के द्वारा होगा, उसके बेसिस पर एम्ब्रियो सेक को हम फर्दर डिवाइड करते हैं, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। यदि एक मेगा स्पोर पार्टिसिपेट करती है तो डेवलपमेंट कहलाता है मोनोस्पोरिक प्रकार का, अगर दो पार्टिसिपेट करती है तो ये हो जाता है बाई स्पोरिक प्रकार का, और चारों ही सेल अगर पार्टिसिपेट करती है तो ये डेवलपमेंट कहलाता है टेट्रा स्पोरिक प्रकार का डेवलपमेंट, जिसको कहा जाता है। तो अब स्टूडेंट के अंदर कि ये जो चार मेगा स्पोर जो मदर सेल थी उसके अंदर मियोसिस डिवीजन हुआ और चार क्या बन गए, मेगा स्पोर बन गए। जनरली इसके अंदर मैक्सिमम जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं उनमें तीन सेल्स डीजनरेट हो जाती हैं और केवल एक सेल जो है वो फंक्शनल कंडीशन के अंदर रहती है, और उस फंक्शनल सेल के द्वारा फॉर्मेशन होता है एम्ब्रियो सेक का। तो अब इसमें स्टूडेंट क्या होगा कि आप देखेंगे कि एक जो मेगा स्पोर यहां पर मेगा स्पोर जो फंक्शनल कंडीशन के अंदर है, अब इसमें फर्दर डिवीजन होते हैं माइटोसिस, और इस माइटोसिस डिवीजन के द्वारा यहां पर इसका जो न्यूक्लियस है ये न्यूक्लियस दो भागों के अंदर डिवाइड हो जाता है, और इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में किसी प्रकार का वॉल फॉर्मेशन नहीं होता है, मींस साइटोकाइनेसिस नहीं होगा, केवल कैरियोकाइनेसिस हुआ और दो न्यूक्लियस बन गए। इन दोनों न्यूक्लियस के अंदर फिर डिवीजन होगा और यहां पर फर्दर फोर न्यूक्लियस बनते हैं, इनमें फिर डिवीजन हुआ और ये एट न्यूक्लियेट कंडीशन जो है वो इसके अंदर बन जाता है। अब ये जो आठ न्यूक्लियस वाली जो कंडीशन इसमें बन रही है, उस एट न्यूक्लियेट कंडीशन के अंदर क्या होता है कि यहां पर दोनों पोल से एक एक जो न्यूक्लियस है वो माइग्रेट होकर के सेंटर में आ जाता है, और तीन जो न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट हो गए चलाजा भाग की तरफ, तीन जो है वो प्रेजेंट रहेंगे माइक्रोपाइल की तरफ। तो माइक्रोपाइल की तरफ जो प्रेजेंट है तीन, उन्होंने फॉर्मेशन किया एगोप्रेटस का, और चलाजा भाग की तरफ जो सेल्स हैं वो कहलाती हैं एंटीपोडल सेल्स बन जाती हैं। तो ये एंटीपोडल हो गई, ये सेकेंडरी न्यूक्लियस या पोलर न्यूक्लियस इसको हम बोलते हैं, और ये भाग बन जाता है कौन सा एगोप्रेटस भाग बन गया, जिसमें दो सिनर्जिड है और एक एग सेल जो है वो इसके अंदर बनती है। तो अब देखेंगे कि जो डेवलपमेंट है एम्ब्रियो सेक का, ये डेवलपमेंट ओव्यूल में कहां पर हो रहा है, न्यू सेलस के अंदर हो रहा है। तो स्टूडेंट जैसे जैसे इस एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट होता है तो जो मेगा स्पोर यहां पर बना, ये सेल साइज को इंक्रीज करती है, और जैसे जैसे ये साइज इसका इंक्रीज होता चला जाता है, उसी के साथ साथ यहां पर आप देखेंगे कि जो न्यू सेलस है वो न्यू सेलस बाजिस के अंदर क्या होता चला जाता है, खत्म होता चला जाता है। लेकिन कुछ जो प्लांट्स हैं उनके अंदर न्यू सेलस जो है वो सीड फॉर्मेशन तक भी बना रहता है। तो यदि न्यू सेलस का भाग जो सीड फॉर्मेशन तक बना हुआ है उसको हम बोलते हैं पेरी स्पर्म, उसको कहा जाता है। तो यहाँ आप देखिए कि जो एम्ब्रियो सेक है, उस एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट कहाँ पर हुआ,
ओव्यूल के अंदर यानी इसका जो न्यूसेलस भाग है उस न्यूसेलस भाग के अंदर डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो सैक का। तो अब इसमें दो टाइप मैंने आपको बताई, एक टेनी न्यूसिलेट और एक क्रेसी न्यूसिलेट। तो टेनी न्यूसिलेट का मतलब हो गया कि आर्किस पोरियल सेल डायरेक्टली जो है वो मेगास्पोर मदर सेल की तरह काम करती है और मियोसिस डिवीजन के द्वारा सीधे ही चार क्या बना देगी, मेगास्पोर बना देगी। और क्रेसी न्यूसिलेट जो कंडीशन होगी उसके अंदर इसमें पेरिक्लिनल डिवीजन होकर के बाहर की तरफ क्या बन जाता है, पेराइटल सेल का फॉर्मेशन जो है वो उसके अंदर होता है। तो इस प्रकार से टेनी न्यूसिलेट और क्रेसी न्यूसिलेट प्रकार के क्या बन जाते हैं, ओव्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आप देखिए कि जो एम्ब्रियो सेल का डेवलपमेंट है ये एक टिपिकल प्रकार का डेवलपमेंट है। यानी इसके अंदर मैंने आपको बताया कि यहाँ जो चार मेगा स्पोर बन रहे हैं उनमें कितने मेगा स्पोर फंक्शनल कंडीशन में है, कितने डीजनरेट हो जाएंगे, उसके बेसिस पर मैंने आपको बताया मोनोस्पोरिक प्रकार का, बाइस्पोरिक प्रकार का और टेट्रास्पोरिक प्रकार का। अब इन तीनों के अंदर आगे फर्दर कौन कौन से टाइप्स जो है वो इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं वो अपन नेक्स्ट टाइम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। अब स्टूडेंट इसमें एम्ब्रियो सैक की जो स्ट्रक्चर है, ये एम्ब्रियो सैक की स्ट्रक्चर जैसे मैंने यहाँ पर बनाई है, ये एक केवल और केवल रिप्रेजेंटेशन है। वास्तव में देखा जाए तो एम्ब्रियो सैक की जो संरचना है वो थोड़ी अलग प्रकार की होती है। तो वो इसके अंदर अपन नेक्स्ट जो बात करेंगे, नेक्स्ट जो वीडियो में आपको दूंगा उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसके अंदर सेंट्रल वेक्यूल प्रेजेंट होती है, फिलिफॉर्म अपरेटस प्रेजेंट होते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस की पोजिशन जो है वो कहाँ पर होती है, तो वो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक्स।